अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। एक नई माजरत और एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माजरत इसलिए कि एक बार फिर लेट हूँ लेट आप सीधी सी बात है नाजरीन कि बंदा ईद पर या तो ईद इंजॉय कर सकता है, वीडियोस बना सकता है या फिर एडिटिंग करके और अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो मैंने सोचा ईद इंजॉय और वीडियोस अब बना लेते हैं, एडिटिंग और जो अपलोडिंग है वो बाद में कर लेंगे। घर वाली बात है, अब तो वो फैमिली वाला चक्कर हो गया ना आपका हमारा तो एनीवे जो बंदे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर हैं उनको मैंने सही तंग किया हुआ था। वो मींस के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फुल अन्नी पादो प्रोग्राम था अपना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि पता कोई नहीं होता इंसान कब फेमस हो जाए, है कम से कम बंदे को फेसबुक और इंस्टाग्राम तो चलाना आना चाहिए ना। तो इसलिए वो आप समझ लें कि मैं बस वो प्रिकॉशंस ले रहा था, तो मैंने इसलिए वो फुल उधर यानी कि एंड कर दिया था, ठीक है। एनीवे तो मैं अच्छा लंदन था ईद पर, ईद लंदन गया था। उसकी मैंने वो जो अपनी ईद की थोड़ी वो कलेक्शन जो हाईलाइट्स की सूरत में इकट्ठी की है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो इंजॉय करें। डैडी ईद मुबारक यार, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओके गेट अप, वी गेटिंग लेट, कम ऑन कम ऑन, गेट अप। हेलो, ईद मुबारक। Come on, Jenny, we are getting late. हाँ जी, तो ईद का प्लान कुछ इस तरह से आज अनयूजुअल सा है थोड़ा, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं आज ईद वाले दिन। तो ईद के दिन कोई ट्रैवल तो नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने बड़े प्यार से बुलाया हो तो जाना भी पड़ता है। तो मेरे कज़न रहते हैं लंदन में, तो ऑब्वियसली ईद मनाने के लिए ऑल द वे पाकिस्तान तो जाया नहीं जा सकता। तो हमने सोचा चलो जो कुछ पास में है तो वहाँ पर चलते हैं। उन्होंने बुलाया भी बड़े प्यार से, तो हम आज जा रहे हैं लंदन, ईद इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं और साथ में हम देखते हैं कि हमारा लंदन का सफ़र कैसे रहता है। तो मिलते हैं गाड़ी में। किसी महान शख्स ने कहा है कि आपकी तरक्की का सफर तब बड़ी तेजी से तय करता है जब आप सो भी रहे हो और आपके अकाउंट में पैसे गिर रहे हो। तो इसी का अपोजिट आपकी नॉर्मल जिंदगी का सफर जो है वो भी तब बड़ी तेजी से गुजरता है जब आप सो भी रहे हो और गाड़ी चल रही हो, ठीक है। क्योंकि मैं रात को तकरीबन सारी रात जागता रहा हूं, तो सुबह नमाज के लिए भी मैं लेट हो गया था ईद की, तो अभी मैं सोने लगा हूं, गाड़ी चल रही है तो वाइफ चला रही है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस कर रहा था ना रमज़ान में वो थी कॉफ़ी, तो क्विकली जो है ना कॉफ़ी ग्रैब करने आए हैं। सर्विस पे रुका हूँ, थोड़ा वॉक हो जाएगी, रेस्ट हो जाएगी। व्हाट आर यू डूइंग? ऑलमोस्ट 72 माइल्स रहते हैं और तकरीबन 1.5 आवर्स की ड्राइव रहती है, ठीक है, अगर ट्रैफिक ना मिले तो, क्योंकि टाइम जो वो चेंज हो ही जा रहा है बार बार सेक्टर के ऊपर, कभी वो 1.5 घंटा बताने लग जाता है, कभी 1 घंटा 20 मिनट बताने लग जाता है, लेकिन हमें क्या, हम चिल कर रहे हैं।
मॉर्निंग। हाँ जी, तो आज ईद का दूसरा दिन है। अभी लंदन में हूँ। रात को पहुँच तो तकरीबन 4-1 बजे गए थे, लेकिन आपको पता वो फैमिली गैदरिंग एंड स्टफ, तो फिर मैं इसलिए वहाँ से वीडियो कैरी ऑन नहीं कर सका। तो कुछ खास स्पेशल हुआ भी नहीं, बस आए थे, मिले रिलेटिव को और खाना शाना खाया दस से। तो अभी आज विल सी, आई थिंक वी आर जस्ट प्लानिंग टू गो आउट समवेयर, देखते हैं कोई किड्स अट्रैक्शन की तरफ निकलते हैं। तो आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइस, इंशाल्लाह ताला विल सी हाउ इट गोज। तो जस्ट स्टे ट्यून। हाँ जी, तो प्लान बना है, ये एडवेंचर आइसलैंड है यहाँ पे ना पास में, कोई तकरीबन घर से, हमारे घर से तकरीबन कोई 10-1 माइल दूर है, ठीक है। तो ये बेसिकली साउथ एंड ऑन सी है इलाके का नाम। वहाँ पे कोई बच्चों की अट्रैक्शन थी, कोई झूले झूले थे, कोई जो है एडवेंचर आइसलैंड पार्क जिसको मीन्स होता है सी साइड पर, वो है। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं। जहाँ पर पहुँच गए हैं भैया, और मुझे लगता है कि हमारे साथ हाथ हो गया है क्योंकि थीम पार्क मुझे लगता है वो बंद है। जो झूले वगैरह ना वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, ये देखें ये सारे। वो अभी मैं वो दूसरी पार्टी का इंतज़ार कर रहा हूँ जो साथ आए हैं कज़न मेरे, तो फिर जाके अंदर देखते हैं कि क्या बना है, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ड्रोन वाले भाई मेरे से सारे एग्री करेंगे कि जो जो अच्छी जगह होती है ना ड्रोन उड़ाने वाली, वो सारी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आती हैं। ड्रोन उड़ाने लगा था तो मुझे मेरी एप्लीकेशन ने इजाज़त ही नहीं दी कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है, तो मोबाइल में देख लें। कुछ देर साउदर्न सी के टाउन सेंटर में इंजॉय करने और खाना खाने के बाद हम अपने घर के करीबी एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन वाले शॉपिंग सेंटर में चले गए। तो हमारे घर के पास में ये तकरीबन ना ग्रेस इलाके में जहाँ पे मेरे भाई रह रहे हैं, इसी जगह पे ये लेक साइड शॉपिंग सेंटर है, ठीक है। ये बिल्कुल लेक के साथ ही है, व्यू भी बहुत अच्छा है जैसा कि आपने ड्रोन में देखा होगा, और वैसे भी तकरीबन एक अच्छा स्पॉट है। अगर आपको लॉकडाउन में और कोई चीज़ नहीं मिलती घूमने फिरने के लिए, तो ये अच्छा स्पॉट है, शॉपिंग करें इधर, खाना खाएं, और साथ में बच्चों की थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है। हाँ जी, तो ये था लंदन नुमा एसेक्स का विज़िट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, जगह खूबसूरत थी, लेकिन लॉकडाउन एंड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इतना आपको एंजॉय नहीं करवा सके। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब इधर आऊँगा, जगह अच्छी हैं, तो इंशाल्लाह आपको और मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो थी बस यहीं तक। अभी मैं ब्रिस्टल की तरफ रवा दवा हूँ, मोटरवे पर हूँ, ख़त्म कर दिया अभी। तो ब्रिस्टल मेरा एक दोस्त रहता है, तो नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह ताला देखने वाली होगी। वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, लेकिन ब्रिस्टल का वेदर थोड़ा सा अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।